समंदर की अथाह गहराई में कितना कुछ छिपा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस पानी के अंदर असंख्य जीव जंतुओं की दुनिया है, मगर इन सब में जो क्रिएचर इंसानों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है तरह तरह की मछलियाँ। इस दुनिया में इतनी तरह की मछलियाँ पाई जाती है कि कई सारी तो अभी तक खोजी भी नहीं जा सकी है, और जिनके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया गया है वो मछलियाँ भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी ही कुछ यूनिक और रेयर फिश से, जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। नंबर 10, सी बनी। ये देखिए इस खूबसूरत सी मछली को, एक नजर देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छोटे से खरगोश को पानी में छोड़ दिया हो। खरगोश के जैसी दिखने की वजह से ही इस मछली का नाम सी बनी रखा गया है। इसके ऊपर उठे हुए ये कान तो देखिए जरा, ये कान सचमुच इस मछली की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ये मछली कई तरह के रंगों में पाई जाती है। इसके खूबसूरत दिखने की एक बड़ी वजह इसके तरह तरह के रंग भी है। मासूम, क्यूट और प्यारी सी दिखने वाली इस मछली पर अक्सर शिकारी जीवों की नजर होती है, मगर इसे शिकार बना पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस क्यूट से शरीर में एक खतरनाक जहर भी पाया जाता है जो शिकारी जीवों के लिए मुसीबत बन सकता है। हालांकि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इसका ये खतरनाक जहर हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैंसर के इलाज के लिए बनने वाली दवाइयों को लेकर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस में इनके जहर की बड़ी भूमिका है। नंबर 9, द टैसल स्कॉर्पियन फिश। इन्हें देखकर ही समझ आता है कि ये खुद को छिपाने में बड़ी माहिर होती है। दरअसल ये अपने माहौल के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेती है, जिस वजह से आसानी से ना तो ये नजर आती है और ना ही पहचानी जाती है। शिकारियों से खुद को छिपाने की इस कला के अलावा इनके पास एक बहुत खास हथियार भी होता है, जो इन्हें पानी के सबसे खतरनाक जीवों में से एक बनाता है। वो है इनके स्पाइन्स में पाया जाने वाला जहर। जी हाँ, इनकी पीठ पर ये जो कांटेदार आकृति आपको नजर आ रही है, दरअसल ये इनके स्पाइन्स है। ये इतने जहरीले होते हैं कि बड़े से बड़े समुद्री जीव को मौत की नींद सुला सकते हैं। यही वजह है कि इनका शिकार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब डाइवर्स के पैर गलती से इनके ऊपर आ गए और उन्हें भारी तकलीफ से गुजरना पड़ा। नंबर 8, ओरांडा गोल्डफिश। जरा देखिए तो इसे, ये सुनहरी मछली अपनी एक झलक से ही किसी का भी दिल जीत सकती है। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग इसे अपने एक्वेरियम में बड़ी शान से रखते हैं, और रखे भी क्यों ना, ये शांत मछली बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है और फिर आपके एक्वेरियम की खूबसूरती भी निखारती है। कुछ लोग घर में इसकी मौजूदगी को खुशहाली और समृद्धि से जोड़कर भी देखते हैं। ये मछलियाँ बहुत से कलर पैटर्न्स और साइजेस में मिलती है। दरअसल इन मछलियों की मांग को देखते हुए इन्हें आर्टिफिशियली कल्टिवेट भी किया जाता है। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये एक्वेरियम में करीब 15 सालों तक जीवित रह सकती है। नंबर 7, पैरट फिश। ये मछलियाँ कुछ कुछ तोते की तरह लगती है और इसलिए इन्हें ये नाम मिला है। हालांकि ये बहुत ही रेयर स्पीशीज है जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समंदर में पाई जाती है। इनका कलर बहुत ही ज्यादा गहरा और चमकीला होता है। ये मछलियाँ लंबी होती है और इनका सिर आगे से राउंड होता है, बिल्कुल किसी तोते की तरह। इनके मुंह के अंदर किसी वैम्पायर की तरह नुकीले दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये पानी के अंदर पत्थरों पर जमी शैवाल खुरच खुरच कर खाती है। ये मछली बहुत ही रेयर है और इसलिए इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, मगर एक बार ऑस्ट्रेलिया के कुछ फिशरमैन ने इसे चारा डालकर मछली पकड़ने वाले कांटों से पकड़ लिया था। सुर्ख लाल आंखों वाली ये मछली बहुत ही डरावनी लग रही थी। हालांकि जब उन लोगों को मालूम हुआ कि उन्होंने एक रेयर मछली पकड़ी है, तो कुछ फोटो वगैरह खींचकर उन्होंने इसे फिर से पानी में छोड़ दिया। नंबर 6, कॉफिन फिश। गोल मटोल शरीर वाली इन मछलियों के पूरे शरीर पर कांटे होते हैं, जो इन्हें बहुत ही डरावना लुक देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांटेदार गुब्बारा फुला कर रख दिया हो। ये मछलियाँ ऑस्ट्रेलियन ईस्ट कोस्ट के साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में करीब 50 से लेकर 300 फीट की गहराई में पाई जाती है। ये मछलियाँ सी टोड स्पीशीज से बिलोंग करती है, और अगर इनके साइज की बात करें तो ये करीब 22 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इन मछलियों के पास कमाल के गिल्स होते हैं, जो एक बार में इतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि कॉफिन फिश को करीब 4 मिनट तक की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो जाती है। ये कला इन मछलियों को शिकारी जीवों से बचकर छुपने में बड़ी मदद करती है। नंबर 5, हेलमेट अर्चिन। इन जीवों को आप समुन्द्र के किनारों पर पत्थरों और चट्टानों से चिपका हुआ पाएंगे। साइज में एक छोटी सी गेंद के बराबर की ये जीव ऊपर से बिल्कुल एक छोटे से हेलमेट की तरह नजर आती है। यही वजह है कि इनका नाम हेलमेट अर्चिन रखा गया है। हालांकि इनका एक नाम शिंगल अर्चिन भी है। अब सवाल उठता है कि ये पत्थरों से ऐसे चिपके क्यों रहती है। दरअसल ये बेचारी तैर नहीं सकती,
इसीलिए अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ऐसे पत्थरों से चिपकी रहती है और ऊपर से इनका बचाव ये गहरे जामुनी रंग का हेलमेट जैसा आकार करता है। वैसे चिपके रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये मूव नहीं कर सकती। ये पानी में चल तो सकती है मगर बहुत धीरे धीरे। अगर इनके खाने के बारे में बात की जाए तो ये ज्यादातर शैवाल खाती है। हालांकि ये मौका मिलने पर अपने से छोटे जीवों पर हाथ साफ करने का मौका भी नहीं चूकती। नंबर 4, ब्लॉब फिश। अब आते हैं इस अजीबो गरीब बेढंगी फिश पर। मुझे याद नहीं आता इससे पहले इतनी बदसूरत चीज मैंने कब देखी थी। और इनकी इस बदसूरती का सबसे बड़ा कारण है पानी का महाभयानक दबाव। दरअसल ये मछलियाँ 3000 फीट गहरे समंदर में रहती है जहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से इनके शरीर की बनावट में बदलाव होता रहता है और ये ऐसी बेढंगी हो जाती है। हालांकि इनके शरीर की तरह ही ये बहुत खूंखार शिकारी भी होती है और अपने शिकार को कभी भी बचकर जाने नहीं देती। इनकी खुराक में मुख्य रूप से केकड़े शामिल होते हैं, मगर एक बुरी खबर ये है कि वैज्ञानिकों ने इस मछली को एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में डाल दिया है, यानी इन मछलियों की प्रजाति कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकती है। नंबर 3, एलिफेंट फिश। इससे ज्यादा यूनिक और रेयर फिश आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस मछली की नाक तो देखिए जरा, बिल्कुल किसी हाथी की सूंड की तरह नजर आती है। इसका एक नाम पीटर्स एलिफेंट नोज फिश भी है। और सिर्फ नाक ही नहीं, इस मछली की आंखें भी बहुत हद तक हाथी की आंखों से मिलती है। हालांकि हाथी से इसकी ये रिजेम्बलेंस केवल छुटपन तक ही होती है, यानी जैसे जैसे मछली बड़ी होती जाती है इसका आकार और अपीयरेंस बदलता जाता है। ये मछली साइज में करीब 4 फीट तक बढ़ सकती है। खैर, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मछली इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पानी में तैरता छोटा सा हाथी। नंबर 2, वाइपर फिश। नाम सुनकर ही समझ आता है कि ये बड़ी भयानक मछली है। इनका लंबा पतला शरीर, बड़ा सा मुंह और मुंह के अंदर बेहद ही नुकीले दांत इन्हें एक खतरनाक मछली का कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। हालांकि ये साइज के मामले में बहुत ही छोटी होती है। इनकी एवरेज साइज केवल 12 इंच के आसपास होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये मछलियाँ अपने से छोटे आकार के जीवों के लिए ज्यादा खतरनाक होती है। वाइपर फिश अक्सर समंदर के अंदर बहुत ही गहराई में पाई जाती है और इसलिए अब तक इनके बारे में बहुत कम जानकारी ही हासिल की जा सकी है। हालांकि कुछ रिसर्चर्स इन नतीजों पर पहुंचे हैं कि ये आमतौर पर 15 से 30 सालों तक जीवित रह सकती है। वैसे इनकी साइज के हिसाब से इनकी उम्र भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 1, द लैंसेट फिश। ये मछली किसी सुपर हीरो मूवी के डरावने विलन की तरह नजर आती है। लंबा पतला शरीर, खतरनाक जबड़ा, बड़ी और भयानक आंखें और स्नेल लाइक फिन्स इसे बेहद ही डरावना लुक देते हैं। इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 7 फीट तक लंबी हो सकती है। यही वजह है कि इन्हें समंदर की गहराइयों में रहने वाले सबसे लंबे जीवों में से एक माना जाता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये हर्माफ्रोडाइट्स होती है, यानी कि इनके शरीर में दोनों मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हालांकि अभी इनके रिप्रोडक्शन के तरीके के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है। इसके अलावा इनकी एक खासियत ये भी है कि ये बहुत गहरे, ठंडे और कम रोशनी वाले इलाकों में भी आसानी से शिकार कर लेती है। समंदर के इन डार्क कोल्ड एरियाज को ट्वाइलाइट कहा जाता है और इसलिए इन मछलियों का एक नाम ट्वाइलाइट फिश भी है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से ये अक्सर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन यूनिक और रेयर फिश के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानकर आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।